हेलो गाइस, तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जरेनियम का प्लांट। बहुत ही यूनिक सी ब्यूटीफुल सी लीव्स हैं इसकी। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर पत्ती हैं, और जो फ्लावर्स निकलते हैं वो एक स्टॉक से निकलते हैं और स्टॉक से फिर ऐसे बंचेस में आते हैं। तो अब जाके इसका कलर का तो चलो हो गया क्लियर, किसमें डार्क रेड या पिंक आएंगे। और इसको करने लगी हूँ रिपोर्ट, और काफ़ी हार्डी प्लांट है ये भी, पूरा साल चल जाता है इजीली अगर थोड़ी सी हम इसे शेड में रखते हैं ना ज़्यादा गर्मियों में। और जो वैसे एरियाज हैं जैसे हिमाचल वगैरह, वहाँ पे पूरा साल भर ये मिलता है, तो हैंगिंग बास्केट्स में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा यूनिक सा प्लांट है, जरबरा हो गया, जरेनियम हो गया, ये सारे चल जाते हैं पूरा साल भर, बस थोड़े से शेडी एरिया हो फिर चलते हैं। और देखो कितना अच्छा बंच है, और फ्लावर एक दो दिन में खिलेंगे। और ये 10 इंचेस का पॉट मैंने बना लिया इसके लिए, और इसमें करेंगे रिपोर्टिंग। ये इम्पेशंस भी परमानेंट प्लांट है, पेरिनल प्लांट, तो ये भी चलते ही रहता है, बस शेड में रख देंगे जब ज़्यादा गर्मियाँ आ गई। फिलहाल तो मॉडरेट टेम्परेचर चल रहा है, तो समर में रख देंगे इसे अंदर। तब इसको देखते हैं निकाल के कि कैसे निकाला जाए। हाँ, इसे मैं मिड विंटर में लेके आई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी वो कौन सा मंथ था। तो सिनरेरिया हो गया, ये हो गया, जरबरा हो गया, इम्पेशंस हो गया, और बिगोनी हो गए, सारे प्लांट्स इकट्ठे खरीदे थे। तो इम्पेशंस ने तो भी इतनी इस बार फ्लावरिंग की है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा जब से आया है। ये एक प्लांट ऐसा है जो हैवी अमाउंट में और रेगुलर बेसिस पे, नहीं तो होता है ना कभी रुक गए कभी कर ली, बहुत ही इसने फ्लावरिंग की है। और कलर भी बड़ा ही प्यारा मिला मुझे, और नीचे से ना पूरा भरा हुआ था, पूरा गोल गोल था, ये प्लांट दिख नहीं रहा था नीचे की सॉइल वगैरह। और अगर आपको दिख रहा हो ये नोड्स बने हुए ना, तो यहाँ से मैंने कटिंग्स ले लेके इसकी लगा दी हैं, और क्योंकि प्लांट है ही इतना प्यारा। तो अब बात कर रहे थे हम जी इसकी, तो प्लांट ये भी कम खूबसूरत नहीं है, अभी तो फ्लावर खिला नहीं है, खिलने वाला ये, तो अब निकाल के देख रहे हैं। ये ईजिली निकल जाएगा क्योंकि सॉइल काफ़ी सॉफ्ट है, और ओवर वाटरिंग इसको नहीं करनी है, और शेड लविंग प्लांट है ये। गर्मियों और सर्दियों में तो धूप में चाहे बाहर पड़ा रहे, लेकिन जैसे अब थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसा है, तो अब थोड़ी सी 3-4 घंटे की धूप और 3-4 घंटे की शेड। चलो जी, इसको निकाल के ये ऐसे निकल गया इजीली, और इस पॉट में कर दें, बहुत ही ईजीली ये प्लांट निकल गया है। और ये है इसकी रूट्स, और फटाफट लगा दें, ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रखेंगी मैं इसे, कि प्लांट शॉर्ट में आ जाता है हमसे। तो 10 इंचेस का पॉट इसके लिए सफिशेंट है। चलो जी, एक आधी लीफ नीचे से निकाल देती होती हूँ मैं जब भी दोबारा से रिपोर्ट करती होती हूँ। ये है हमारा खूबसूरत सा प्लांट। और जो है ना वो जरबरा और जरेनियम में पहले तो कन्फ्यूज ही बड़ी होती हैं, दोनों के नाम मुझे एक जैसे लगते हैं, और इक्वली मुझे दोनों पसंद हैं ये। तो क्या कहते हैं, जो जरबरा है वो लीफ से भी ग्रो होता है बहुत इजी। अगर आपके प्लांट की ज़्यादा मैच्योर सी लीफ हो ही पड़ी है ना, तो आप उसकी सोइल लीफ को सोइल में लगा दीजिए, सेम पॉट में लगा दीजिए, क्योंकि सेम में ऐसा होता है कि कोकोपीट वगैरह का बना होता है इनका ना सॉइल मिक्सर, अगर हम नर्सरी से लेके आते हैं तो जरबरा का ज़्यादातर मोस्टली, तो फिर उसी में लगा देते हैं, तो उसी में एक जैसी ही उसकी पानी की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, और जल्दी जल्दी पड़ता है वो। तो ये देखिए भी बड़े पॉट में इसकी ब्यूटी ऐसी है। और कल वहाँ गए थे हम स्प्रिंग फेस्ट के फेस्ट देखने सेक्टर 5 में, तो इतने जरेनियम, इतने सारे, वो इतने अच्छे, सबसे अच्छे लग रहे थे रेड। वैसे तो कलर तो सारे प्यारे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा थे ना ब्लड रेड से, वो तो इतने प्यारे थे ना, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इसका भी कलर मुझे वैसा ही लग रहा है, तो अब बाहर ही रख के आऊँगी, एक बार वाटरिंग कर दूँगी। ऐसे स्टॉक्स इसके निकलती रहती हैं, पूरा प्लांट ऊपर से भर जाता होता है ये जरेनियम का भी। ये भी इजीली ग्रो हो जाता है, प्रोपोगेशन मेथड इसका भी इजी है, और उसका भी जरबरा का भी काफ़ी इजी है।
वो भी बहुत जल्दी लीफ से ग्रो हो जाता है, और वैसे भी वो साथ साथ में बेबी प्लांट्स निकालता रहता है अपने अगर पॉट का साइज़ बड़ा हो तो। तो बाहर अब 3-4 प्लांट्स जो समर के लगाए हुए हैं उनकी स्प्राउटिंग हो गई है, उग गए हैं, तो कहीं की रिपोर्टिंग कर दी है, कहीं की बाकी है, और कहीं अभी तक नहीं उगे हैं, तो उनका बेसब्री से इंतज़ार है। और मेरे तो विंटर के अभी तक चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और गेंदे वगैरह के भी मैंने कटिंग्स लगा दी हैं कि गेंदा वगैरह भी ना जाए, सारे परमानेंटली रहें। साल्विया की कटिंग्स भी लगा दी थी बाद में मैंने, कि वो प्लांट मैच्योर होने से पहले पहले दूसरे प्लांट चल पड़े। तो इस तरीके से ना हम थोड़ी लंबे टाइम तक कटिंग्स लगा लगा के ले सकते होते हैं फ्लावरिंग प्लांट से। ओके जी, अगर ये जेरेनियम पे आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और जल्दी मिलते हैं और ऐसी वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।